नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में एक साथ 12 जिलों में रेड, गैंगस्टर अमन और सुजीत के खिलाफ कार्रवाई। जेल में बंद रहकर भी अपनी साम्राज्य चलाने वाले कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन सिंह के ठिकानों पर झारखंड एटीएस की टीम ने दबिश दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के 12 जिलों में एक साथ एटीएस की टीम ने अमन और सुजीत के ठिकानों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह के करीब 5 बजे से ही यह छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार एटीएस की टीम जिला पुलिस के सहयोग से राजधानी रांची, हजारीबाग, लामू, चतरा, लातेहार, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों में छापेमारी कर रही है। एटीएस के निशाने पर न सिर्फ अमन सुजीत गिरोह के सदस्य हैं बल्कि उनके करीबी भी हैं। धनतेरस दिवाली को लेकर अलर्ट पर रांची पुलिस, 5 स्थानों पर क्यूआरटी के साथ एम्बुलेंस भी तैनात। राजधानी रांची में धनतेरस की खुशियां मनाई जा रही है। रांची पुलिस भी धनतेरस और दिवाली की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। रांची में हाल में हुए आपराधिक मामलों, खासकर शुक्रवार को विष्णु गली में हुई गोलीबारी को देखते हुए सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। पूरे शहर में थानों के पुलिसकर्मियों को गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात होंगे। धनतेरस बाजार, विशेष तौर पर गहनों और बर्तनों की दुकान के आसपास विशेष चौकसी बरती जा रही है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि पुलिस के जवानों को बड़े प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक इलाकों के आसपास लगातार चौकसी रहने का निर्देश दिया गया है। रांची के कचहरी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से भी एक टीम लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे बाजार की मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि अगर किसी भी तरह की सूचना उनके पास पहुंचती है तो उसे तुरंत वे उसकी जानकारी वायरलेस के माध्यम से सुरक्षा में तैनात जवानों और अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। अगर कोई अपराधी संदिग्ध परिस्थिति में नजर आए या घटना को अंजाम देते दिखे तो उसका लोकेशन भी वायरलेस के जरिए प्रसारित किया जाएगा। जेई प्रतियोगिता परीक्षा कल से। जेएसएससी की ओर से 23 अक्टूबर से डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता जूनियर इंजीनियर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लगभग 35,000 अभ्यर्थी सीबीटी मोड में परीक्षा लिखेंगे। 1285 पदों के लिए परीक्षा 7 नवंबर तक चलेगी। 18 अक्टूबर से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि अलग अलग क्रमांक से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है, इस कारण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। इसकी शिकायत शुक्रवार को आयोग के परीक्षा नियंत्रक से की गई। आयोग की ओर से बताया गया है कि ऐसा तकनीकी कारणों से हो रहा है, इसे ठीक कर लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर भी जो तकनीकी गड़बड़ी दूर की जा सकेगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद व हजारीबाग जिले में 5 केंद्रों पर सीबीटी मोड पर परीक्षा ली जाएगी। रांची में 2 केंद्र बनाए गए हैं। धनबाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली। धनबाद में संपत्ति विवाद को लेकर शनिवार की सुबह बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया मुक्ति धाम के समीप भतीजे ने ही अपने चाचा दूध व्यवसायी धर्मेंद्र यादव को गोली मार दी। 22 वर्षीय धर्मेंद्र की पीठ और कमर के पास 3 गोली लगी है। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। गोलीबारी की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने धर्मेंद्र यादव को SNMMCH में भर्ती कराया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दुर्गा स्थित मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद भतीजा राजा फरार है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर में पुलिस पर जानलेवा हमला, एएसआई को गंभीर हालत में टीएमएच में कराया गया भर्ती। लोहनगरी जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि ये पुलिस कर्मियों पर भी जानलेवा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामले में सोनारी थाना इलाके में उपद्रवी तत्वों ने पुलिस की गश्ती दल पर हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई सुमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक सिपाही को भी चोट आई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात सोनारी थाना पुलिस को पांडे कॉलोनी रहने वाली एक महिला ने अपने घर के पास बने चबूतरे में असामाजिक तत्वों की अड्डेबाजी की शिकायत की। इस सूचना पर गश्ती दल वहां पहुंची तो वहां बैठे युवकों ने ईंट पत्थर से गश्ती दल पर हमला कर दिया। इस हमले में गश्ती दल में शामिल एएसआई सुमित कुमार और सिपाही वीरेंद्र दास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक अन्य सिपाही देवशरण ने भागकर अपनी जान बचाई। युवकों के फेंके पत्थर से वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना के बाद काफी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची और घायलों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचा गया। डॉक्टरों ने एएसआई की स्थिति गंभीर बताई है, वही दूसरी और सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
बूढ़ा पहाड़ से भागे माओवादियों ने ली लातेहार के गारू पठार में शरण, चलेगा ऑपरेशन। झारखंड में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के बाद माओवादी तितर बितर हो गए हैं। बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों ने 11 सितंबर को मुक्त करा लिया था। बूढ़ा पहाड़ की मुक्ति के बाद वहां कैंप कर रहे सौरभ जी उर्फ मार्कुस बाबा, सरजीत यादव, नवीन यादव के दस्ते ने अपना ठिकाना लातेहार के गारू व उसके आसपास के पठारी इलाके को बनाया है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बूढ़ा पहाड़ से हटने के बाद मार्कुस बाबा उर्फ सौरव अपने साथी रविंद्र यादव के दस्ते के साथ सक्रिय है। वही नवीन व सरजीत यादव अपने एक दर्जन साथियों के साथ गारू के इलाके में ही जो है गांव में सक्रिय है। पुलिस इन चिन्हित उग्रवादियों के खिलाफ टारगेट बेस्ड अभियान चलाने की तैयारी में है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 नवंबर से किक फॉर झारखंड। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC की ओर से किक फॉर झारखंड नाम से यह प्रतियोगिता 5 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। इसमें प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और हाई स्कूल के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व मॉडल विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेंगे। JEPC ने इसके आयोजन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच अनुशासन, नेतृत्व क्षमता का विकास, टीम भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना व निर्णय लेने की क्षमता समेत सर्वांगीण विकास की अवधारणा के साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व विभाग में 9,746 पदों पर बहाली को 16 तक करे आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में जमीन के दूसरे चरण का सर्वे कराने के लिए विशेष सर्वेक्षण कानून को अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की 9,746 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 16 नवम्बर तक मांगे गए हैं। इसके तहत विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8,244 पदों पर बहाली होनी है। 2 साल के लिए संविदा पर होने वाली इस बहाली की खास बात यह है कि रिक्तियों के मुकाबले 3 गुना लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। चयनितों को मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। यानी यदि कोई व्यक्ति चयन होने के बाद ज्वाइन नहीं करता है अथवा सेवा के दौरान डिसमिस कर दिया जाता है तो इसी सूची के आधार पर दूसरे को मौका दिया जाएगा। दिवाली से लेकर छठ तक रांची के इलाकों में बिजली हुई गुल तो यहां करें संपर्क, हेल्पलाइन नंबर जारी। बिजली विभाग द्वारा दीपावली व छठ पूजा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा दीपावली व छठ को लेकर शनिवार से रांची जिला अंतर्गत 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया है, जबकि इससे पहले शुक्रवार को कई क्षेत्रों में बिजली घंटों गुल रही। इस दौरान लोग सुबह से ही बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सुबह से ही जो फोन करते रहे, अधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाने की भी शिकायत मिली है। विभाग द्वारा शहर में बिजली संबंधित सभी जो है मरम्मती कार्य 22 से 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। बिजली की आपूर्ति होती रहे इसके लिए विभाग द्वारा 15 KV व 20 KV के ट्रांसफार्मर जो है लगाकर लोड बढ़ाया जाएगा। हालांकि यह दीपावली व छठ पर भी पता चल पाएगा कि आखिर विभाग 24 घंटे में कितने घंटे बिजली उपलब्ध करा पाता है। कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर की बिजली व्यवस्था 24 घंटे के अंदर दुरुस्त करने का लक्ष्य लिया गया है। इसके अलावा रांची जोन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नंबर जारी किया गया है। कंट्रोल रूम के लिए दूरभाष संख्या 0651249014 और व्हाट्सएप नंबर 9411356 है। यह नंबर पर बिजली विभाग द्वारा 24 घंटे बिजली विभाग द्वारा सेवा देने की बात कही गई है। धनबाद में 19 नवंबर को होगा राज्य स्तरीय पारा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 13 नवंबर तक असम में होगी। इसमें 25 राज्यों के 1000 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। झारखंड के चयनित 17 दिव्यांग खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। वहीं 19 से 20 नवंबर को धनबाद में राज्य स्तरीय पारा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे राज्य से 150 खिलाड़ी शामिल होंगे। इंतजार खत्म, जमशेदपुर एयरपोर्ट से 31 को शुरू होगी उड़ान। सोनारी एयरपोर्ट से 31 अक्टूबर को कोलकाता व भुवनेश्वर के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है। फिलहाल इंडिया वन एयर का 9 सीटर प्लेन उड़ान भरेगा, जिसका कोलकाता के लिए लगभग 3,000 और भुवनेश्वर के लिए 8,000 रुपये किराया निर्धारित है। हालांकि इसमें ऑफर के साथ फेरबदल हो सकता है। इस संबंध में शुक्रवार को जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय में विशेष पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में सोनारी एयरपोर्ट से जो है पब्लिक सेवा शुरू करने को लेकर बैठक की गई। रांची के इंद्रपुरी में 34 सालों से हो रही है काली पूजा।
24 को दर्शन के लिए खुलेगा पंडाल। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड इंद्रपुरी में 24 अक्टूबर को मां काली की पूजा के लिए बनाया गया पंडाल खोला जाएगा। इस दिन भक्त मां के दर्शन कर सकेंगे। वहीं इंद्रपुरी काली पूजा समिति द्वारा इस बार भव्य पंडाल बनाने के साथ मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। बिरला मैदान में समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पिछले 34 वर्षों से पूजा होती आ रही है। इस साल विशाल प्रतिमा जो है बनाने के साथ आकर्षक जो है साज सज्जा भी की जाएगी। 24 अक्टूबर को आम श्रद्धालुओं के लिए पंडाल के पट खोल दिए जाएंगे। आयोजक अभिषेक ने बताया है कि मैदान में विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। खाने पीने के स्टॉल के अलावे कई तरह के झूले और आकर्षक कलाकारी के स्टॉल होंगे। उस दिन रात में समिति के सदस्यों द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को खिचड़ी का महाभोग लगाया जाएगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 26 अक्टूबर को माँ को जो है खीर का महाभोग लगाया जाएगा। 27 को हलवा का भोग लगेगा और 28 को माँ काली की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। गिरिडीह कोलियरी के विक्रय कार्यालय में लगी आग। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी के विक्रय कार्यालय में अहल सुबह आग लग गई। इस घटना से विक्रय कार्यालय में रखा एक कंप्यूटर जलकर राख हो गया। इससे लगभग 20,000 की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह विजय कुमार नामक एक युवक ने विक्रय कार्यालय से धुआं निकलते हुए देखा। उसने इसकी जानकारी विक्रय कार्यालय के बड़ा बाबू प्रमोद सिंह को दी। सूचना पर श्री सिंह सहित बिजली विभाग के फोरमैन दिलीप पासवान भी पहुंचे। कार्यालय खोलकर देखने पर एक कंप्यूटर में आग लगा देखा। आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। विक्रय कार्यालय के बड़ा बाबू प्रमोद कुमार ने तत्काल इसकी सूचना परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह को दी। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।